नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। तो CUET PG 2023 का आंसर की आ चुका है और इसको लेकर के सबसे पहले मैंने आपको अपडेट किया। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप कि जो आंसर की आई है CUET PG 2023 की, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि हम उसको कैसे देखें, कैसे चेक करें, तो आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में, साथ ही साथ चैलेंज करने का भी प्रोसेस बताऊंगा। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हम आपको लगातार CUET PG की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस डेडिकेशन से हमने लगातार अपडेट किया है, और बेनिफिशियल आपके लिए इसलिए है क्योंकि हम आपको आपके एडमिशन तक अपडेट करते रहेंगे, सारी यूनिवर्सिटीज की जानकारी देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए सीधा चलते हैं, पूरे स्टेप्स को समझते हैं कि कैसे आपको CUET PG 2023 के आंसर की को मिलाना है और कैसे चैलेंज करना है। पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आप सभी लोग मिला नहीं पा रहे, कंफ्यूज हो रहे हैं ना। तो सबसे पहले ये CUET PG की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लीजिएगा, दैट इज CUET.NTA.NIC.IN, यही वेबसाइट है आपकी। इसी वेबसाइट पे आप लोग फॉर्म भरे थे, अब यहीं से जहां आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह पॉपअप हो रहा था, ऊपर ही पॉपअप हो रहा है आंसर की चैलेंज CUET PG 2023, ये चीज आपको नीचे भी मिल जाएगा कैंडिडेट एक्टिविटी में, या तो वहां से खोल लें या यहां से खोल लें। चलिए मैं यहीं से क्लिक कर देता हूं। अब यहां जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने दो ऑप्शन खुल जाते हैं, लॉग इन कैसे करना है, तो थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, या फिर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो मैं किसी एक से लॉग इन कर देता हूं, चलिए एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। अब इसको खोलने के लिए मैं एक स्टूडेंट का आईडी और पासवर्ड तब तक लॉगिन कर देता हूं फटाक से, और उसी के बिहाव पर आपको सारी चीजें दिखा दूंगा ताकि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आ जाए। तब तक मैं चाहूंगा कि आप लोग फटाक से वीडियो को जरा लाइक कर दें अगर वीडियो को देख रहे हैं, और शेयर कर दें। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप सभी के आगे के लिए बहुत ही जरूरी होगा इस आंसर की को चेक करने के बाद। ठीक, तो इस चीज के लिए चैनल के साथ अभी लगातार थोड़ा सा बने रहिएगा आप लोग, पूरा कंप्लीट वीडियो ही देखिएगा। चलिए 16 इनका डेट ऑफ बर्थ में डाल देता हूँ, चलिए भाई इनका डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया जाए। चलिए डेट ऑफ बर्थ हो गया, सिक्योरिटी पिन जो हमारे सामने आ रहा है आप लोग सिक्योरिटी पिन डाल दीजिएगा, मैं भी सिक्योरिटी पिन ऐड कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, जितना इसमें इंफॉर्मेशन पूछा गया था, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन, ये सारी चीजें डालने के बाद साइन इन पर मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने साइन इन पर क्लिक किया आपके सामने ये खुल गई इनकी आईडी। अब जब इनकी आईडी हमारे स्क्रीन पर खुल जा रही है तो अब इसमें नीचे आइएगा, आप सभी लोग नीचे आ रहे होंगे, नीचे में आपका लिखा हुआ व्यू क्वेश्चन पेपर और व्यू और चैलेंज आंसर की, ये दो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर खुल रहे हैं, तो दोनों आप लोग खोल लीजिएगा। पहले इस पर क्लिक कर दीजिएगा व्यू क्वेश्चन पेपर पर, तो एक स्लाइड आपकी यहाँ पे ये खुल जाएगी, सेकेंड आप खोल लीजिएगा क्लिक और व्यू चैलेंज आंसर की, तो एक स्लाइड आपकी यहाँ पर खुल जाएगी। दोनों स्लाइड जैसे ही आपकी स्क्रीन पर खुल जाता है अब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपने वाले पर आइएगा जो आपका क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में ध्यान रखिएगा कि आप अपने सीरियस इससे मतलब नहीं रखिएगा, बस ये ध्यान दीजिएगा अगर क्वेश्चन नंबर वन है तो हम क्वेश्चन नंबर वन पर जैसे ही थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे हर क्वेश्चन के बाद आपको राइट साइड में इस तरीके से कुछ चीजें लिखी हुई दिखेंगी। अब ये चीजें निरर्थक नहीं लिखी हुई है, इसी से आपको आंसर की मिलाना है। कैसे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना क्वेश्चन आईडी, तो ये क्वेश्चन नंबर वन जो आपका था सीरियल नंबर वन पर आपको इससे नहीं मिलाना है। सीरियल नंबर वन पर जो क्वेश्चन आईडी है इसको ध्यान दे लीजिएगा, लास्ट का डिजिट 317 लिखा है, इस चीज को याद कर लीजिएगा। फिर आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है इस क्वेश्चन आईडी के लिए, तो आपने चूज किया लास्ट में जिसमें 811 है वो वाला। अब सीधा जो हम लोग चैलेंज आंसर की वाला ओपन किए थे उस पर आ जाइएगा, अब उसमें देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है जिसके लास्ट में 317 वाली आईडी है, तो यहाँ देखिए इनके लास्ट में यहाँ पर 317 है, यहाँ 315-16 है, तो ये क्वेश्चन कहीं और होंगे, यानी सीरियल नंबर वन वहां पर था, तो ये नहीं कि वन यही है मेरा, ये वन नहीं है, आपका वन ये है, ऐसे किसी का वन यहाँ भी हो सकता है, किसी का वन जो है 24वें पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, तो आप लोग ऐसे मिलाएंगे। तो यहाँ हमने देख लिया, साथ ही साथ ऑप्शन क्या था उस आईडी पर उस स्टूडेंट का, तो 811 उन्होंने लगाया था, करेक्ट ऑप्शन में क्या है 810 है, तो यानी इनका क्वेश्चन ये गलत है। ठीक, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पर मैं आपको दिखा देता हूं ताकि क्लियर रहे। क्वेश्चन नंबर टू पर स्क्रॉल करिए, सीरियल नंबर से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन नंबर टू का क्वेश्चन आईडी देख लीजिए कौन सा है, 320 है, आंसर आपने कौन सा किया है 821 वाला, तुरंत फटाफट से आ जाइए इस पर, 320 वाला क्वेश्चन आईडी कौन सा है, तो यहाँ पे 320 वाला है। ठीक, और ऑप्शन आईडी कौन सी सही है उसमें उन्होंने किया कौन सा था 821, तो इस क्वेश्चन आईडी पर कौन सा सही है 821, यानी इनका ये क्वेश्चन सही है। इस तरीके से आप अपना सीरियल नंबर वन से शुरू करते हुए और यहाँ पर मिलाते जाएंगे। अब आपको अगर डाउट लगता है, जैसे मान लीजिए इनका क्वेश्चन नंबर वन जो था
अगर इनको लगता है कि मैंने क्वेश्चन नंबर वन में जो ऑप्शन नंबर थ्री लगाया था वही सही है और क्वेश्चन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या कर दिया क्वेश्चन नंबर वन में, ये क्वेश्चन आईडी दूसरी दी है, तो कौन सा अगर आपको सही लगता है, अगर जैसा कि इन्होंने कौन सा लगाया था, देखिए 803 ऑप्शन आईडी कौन सी है 811 वाली, ठीक, तो 811 वाली फटाक से आप देख लेंगे कि इसमें 811 वाली कौन सी है। तो अगर आपको चैलेंज करना है इनकेस, जैसे लगता है कि यहाँ पर अगर 810 वाला जो ऑप्शन आईडी ये गलत है, यानी ये वाला गलत है, अगर आपको लगता है मेरा वाला ही सही है, तो आप क्या करिएगा चैलेंज करने के लिए यहां पर क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस में आपको ऐसा लगेगा उन सारे क्वेश्चंस पर आप क्लिक करते जाएंगे लास्ट में आ जाएगा। मान लीजिए मैं सिर्फ एक क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर वन को, तो यहां पर सेव योर क्लेम पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सेव योर क्लेम पर आप क्लिक करते हैं यहां पर आपका ये ऑप्शन जो है आगे बढ़ जाएगा, ठीक। चलो अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, सारे क्वेश्चंस हो गए आपके, अब 99 क्वेश्चंस आपके ऑप्शन में दे दिया कि अभी आप एक दोबारा भी इसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो नीचे स्क्रॉल करिए, देखिए 99 क्वेश्चंस इसमें सही आपने मान लिए, एक आपने क्लेम कर दिया, मैंने सेव क्लेम कर लिया था एक क्वेश्चन का। अब नीचे आइए, अब यहाँ पर आपको प्रूफ के रूप में कि भाई आप ये क्वेश्चन को क्यों चैलेंज कर रहे हैं, कोई इसके पीछे प्रूफ है, आप कैसे जानते हैं, तो कोई बुक वगैरह का रेफरेंस अगर देना चाहते हैं यहाँ वो रेफरेंस ऐड करिए। फॉर एग्जांपल मैं एक कुछ भी रेफरेंस ऐड कर देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे इनका रेफरेंस कुछ भी ऐड कर दिया, चलिए पीडीएफ फाइल में अपलोड करना, ध्यान रखना पीडीएफ फाइल, यहाँ पर मैं एक पीडीएफ फाइल जो है छोटा सा अपलोड कर देता हूँ। चलिए मैंने पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया और उसके बाद यहाँ पर सेव योर क्लेम एंड पे फी पर क्लिक करिएगा, जैसे ही आप सेव योर यहाँ पर क्लिक किया आपने, यहाँ पर आप किसको चैलेंज कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चन को, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आप किस कौन से ऑप्शन के लिए क्लेम कर रहे हैं, सब कुछ आ जाएगा। और उसके बाद अगर मॉडिफाई करना है तो वापस जा करके डिलीट कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, सब कुछ जो करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड चैलेंज करिए और उसके बाद फीस पेमेंट करिए, फीस पेमेंट करने के बाद आपका चैलेंज हो जाएगा। अगर NTA को लगेगा कि आपका जो आंसर है, आप जो कह रहे हैं वो सही है, तो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, अगर नहीं है तो फिर आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा और 200 रुपये आपका कट जाएगा, ऐसे ही पर क्वेश्चन आपका 200 लगने वाला है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि हाउ टू चेक CUET PG 2023 आंसर की, जो कि रिलीज हो चुका है, और उसको चैलेंज कैसे करना है, दोनों चीजें मैंने बहुत ही अच्छे से बता दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार वापस जा करके इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप बाकी स्टूडेंट तक ये अपडेट पहुंच जाए कि कैसे चेक करना है। और एक अच्छी बात कि अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आएगा दो बार वीडियो देखने के बाद, फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कल आपको मैं और भी अच्छे से कुछ और पूछना होगा तो समझा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और एक काम और कर दीजिए, अच्छी बात कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जा रहा है उसको भर दीजिए, जिसमें आपका नाम वगैरह भर दीजिए और कितना क्वेश्चन आपने सही किया आंसर की मिलाने के बाद, ताकि उससे ये हो जाएगा कि हम लोग आपको जो कट ऑफ की अपडेट देने वाले हैं वो बहुत जल्द आपको दे सकेंगे। तो वो एक जरूरी फॉर्म है, फटाफट से भर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।